बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सजते हुए लाइव पीटी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में हमारी रियासती इदारों में जो अब तक इंतजामी इस्लाहाती अमल है, बिलखसूस वजारत तवानाई और पेट्रोलियम में, उससे मुतलिक जायजा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर डिवीजन है और जो हमारी पेट्रोलियम डिवीजन है, उसमें इस्लाहात लाई जा रही हैं, लेकिन चूंकि सर्कुलर डेट का मसला विरसे में मिला, इसके अलावा लाइन लॉसेज हैं, बिजली चोरी का बहुत बड़ा एक इशू है, तमाम वज़ीर आज़म का ही कहना था कि इन मसाइल के बावजूद इसका बोझ एक आम आदमी पर नहीं डालना, बल्कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो भी बिजली और गैस की चोरी के मुर्तकिब अनासिर हैं, इनको कानून की गिरफ्त में लिया जाए। हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा अमल इंशाल्लाह शुरू होता है तो ये बहुत दलेराना फैसला होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि इमरजेंसी प्रोग्राम इस हवाले से तरतीब देना चाहिए। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि मुल्क की मईशत अब इस्तेकाम और तरक्की की जानिब गामजन है, जिसका मजर है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसमें 73% कमी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर में 16 करोड़ डॉलर से ज्यादा इजाफा हुआ है। फिर उनका यह भी कहना था कि जो हमारी डेवलपमेंटल स्पेंडिंग है, उसमें भी इजाफा हुआ है, यानी कि जो तरक्याती मनसूबों के लिए खर्चात हैं, उनमें इजाफा हुआ है। साथ में उनका यह भी कहना था कि जो सीमेंट है, उसकी सेल भी अप हुई है, उसमें इजाफा हुआ है। एक तो इस हवाले से जरूर आज की नशे में आता करेंगे। दूसरी जानब अगर मुल्क के सियासी महाज की बात करें तो मुस्लिम लीग नवाज हमें एक दफा फिर मुतहरक नजर आती है। उनके जो सीनियर रहनुमा जो हाल ही में जमानत के सिलसिले में अडियाला जेल से उनकी जमानत हुई और बाहर है, शायद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एहसन इकबाल साहब के हमरा उनका 4 रुकनी वफ्द आज शहर कैद कराची गया। वहां हुकूमत मौजूदा हुकूमत की हलीफ जवान एमक्यूएम से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद एक प्रेसर भी हुआ जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब का कहना था कि वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, -1 -2 फार्मूला में बिलीव नहीं करते, लेकिन उनका यह मुतालबा था कि तमाम सियासी जमातें और मुल्क के स्टेक होल्डर्स बिल बैठ कर यह तय करें रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट कि इस मुल्क को आगे कैसे चलाना है। तो इस हवाले से भी जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि नून लीग दोबारा से मुतहरक नजर आई और वो कहते कि शहबाज शरीफ साहब का पैगाम लेकर आए हैं। बहुत से सियासी माहरीन, सियासी आज हमारे पास एक जर्नलिस्ट भी सीनियर, उनसे जानेंगे कि नून लीग में ये जो एक दोबारा से एक नई टीम हमें नजर आई है, क्योंकि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जुबैर साहब, मरियम औरंगजेब साहब मौजूद थे इस टीम में, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और राणा तनवी नजर नहीं आए। तो क्या ये नई टीम सामने मैदान में उतारी है? कराची से जुड़ी खबर एक अफसोसनाक खबर है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि कराची की रिजविया सोसाइटी में 5 मंजिला इमारत थी, वो अपनी 2 मुलका इमारतों के साथ आज जबी बोस हो गई अचानक, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक पहले 7 की फिगर आ रही थी, अब प्राइवेट मीडिया 11 की फिगर दे रहा है, जो कि कोट कर रहा है हॉस्पिटल्स को, जिसमें 7 खवातीन हैं, 1 मर्द है, 3 बच्चे हैं, वो जांबक हो चुके हैं, दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स और 22 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। इसे भी जरूर बात करेंगे कि कराची शहर कैद कराची में 2 साल में ये चौथा वाकया है कि जो इमारतें हैं उनकी मखदूश हालत हो जाती है। इसके बारे में मुख्तलिफ बातें हो रही, कोई कह रहे 3 साल पहले बनी थी, 4 मंजिल बन गई थी, जब कॉन्ट्रैक्टर 5वीं मंजिल बनाना चाह रहा था तो उसकी वजह से गालिबन वो इमारत बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकी और जमीन बोझ हो गई, जिससे इतना बड़ा ह्यूमन लॉस हुआ। तमाम नुकात का आज की नशिस्त में आता करेंगे। नुमाइंदा और जामे पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे कर रहे थे। हमारी आज की पहली ममान शख्सियत बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रोकन है, मरकज जिलाना में। आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक है आपका, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के आप रोकन है, आपकी भी बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत अवैस तौहीद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है और कराची के मामला हो, मुल्की मामला हो, उन पर गैर गिरफ्त रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, तीनों मौसम मेहमान को फॉर्मो वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से अवैस तौहीद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेता हूं। जी सर, एक तो जहर बता कराची में भी आप जरूर कमेंट करेंगे, हेलिंग फ्रॉम दैट सिटी अबाउट वो जो इमारत गिरी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर जानना चाहूंगा, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा एक इशू हमारा है और तमाम आप जैसे माहरीन भी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को ज्यादा चैलेंज अपोजिशन से उस तरह का चैलेंज नहीं, लेकिन ज्यादा चैलेंज अपनी कारकर्दगी, अपनी गवर्नेंस और मुल्क की मईशत से है। अब ये कहा जा रहा है फ्रॉम द टॉप, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट की, आज भी उन्होंने इजलास किया कि बिजली चोरों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो रही है। पिछले दिनों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर साहब भी आए थे, अखबारात में पढ़ रहा था, वो भी कह रहे हैं कि महंगाई में कमी आएगी। आपके इस हवाले से क्या एनालिसिस है? देखिए अनवर साहब, जाहिर बात है कि हमारा तो हर चीज जुड़ी हुई है, हमारी खुद मुख्तारी जुड़ी हुई है, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर खुद मुख्तारी है वो भी जुड़ी हुई है, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी, जो माशी या मईशत की जो स्टेबिलिटी है उसके साथ जुड़ी हुई है, तो इंटरलिंक्ड है। और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था
और वो तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यही था कि मईशत की बहाली, मईशत की जो सेहत की बदहाली थी उसको उसका हाल दुरुस्त करना, उसकी सिमत का तयन करना। और अब जाहिर बात है कि 18 माह के लगभग हो गए हैं अनवार, तो इसके अंदर ये अगर अच्छी खबरें सुना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो तो जाहिर बात है कि उसमें देर भी लगेगी, और अभी तो कोई अच्छी खबरें नहीं नजर आ रही हैं, लोगों का परसेप्शन नहीं है। लोगों का परसेप्शन जो है वो चेंज करना, मेरे ख्याल में इकोनॉमी के अंदर भी परसेप्शन प्लेज इट्स ऑन रोल, पॉलिटिक्स के अंदर भी परसेप्शन प्लेज इट्स ऑन रोल, और मैं समझता हूँ कि दो धारी तलवार पे चल रहे हैं इसमें इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत, कि वो अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरी को न सिर्फ बेहतर करें, माजी की जो कमजोरियां हैं, जिन खामियां हैं जिनकी वो निशानदेही करके इख्तदार में आए हैं, जो इतने सारे उनको वोट हासिल हुए हैं, उसमें वो किस तरीके से परसेप्शन चेंज करें। एक तो ये है ना कि आप देखिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट या फिस्कल जो डेफिसिट है, मैं एक बात कर, आम आदमी को क्या ये पता है? अगर मैं और आप ही बात करने लगे तो हम लोग की मेरे बहस आया कि बहुत से लोग इसको समझ भी गए नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप मुझसे अगर डिटेल में पूछे मैं भी शायद आप मैं भी लड़खड़ा जाऊंगा। कहने का मकसद ये है कि बाकर रजा साहब, हफीज शेख साहब की क्या आम आदमी की जो 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 मईशत की सूरत हाल है उसको बेहतर करना है, या ये जो दो बड़े उन्होंने अपने लिए टारगेट्स रखे हैं या तीन चार बड़े टारगेट्स रखे हैं उसको करना है। तो मैं हमेशा कहता हूं अनवार साहब, इमरान खान साहब को एक पेज पे एक हाशिया खींचना है, एक तरफ रखना है अवाम को, दूसरी तरफ रखना है इन भारी भरकम मईशत की शख्सियात को जिनको हजम करना, जिनके इतने गहरे गहरे अल्फाज जो है वो शायद हम लोगों को भी हजम ना हो सके, उनकी जो इस्लाहात हैं उनको एक तरफ रखें और अवाम के लिए जो रिलीफ है वो दूसरी तरफ रखें। यानी कि आटा, घी, चीनी, देखें उनको तो ये इम्पैक्ट, उसको ये नहीं है कि स्टेट बैंक के अंदर कितने रिजर्वॉयर्स हैं। तो इमरान खान साहब को ये चैलेंज है, मैं समझता हूँ, एक हाशिया खींचे और इन भारी भरकम शख्सियात जो मईशत की के हाल को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं उनकी बुनियादी इस्लाहात की बात करें, माने, और दूसरी तरफ खुद इंटरवीन करें कि मैं चाहता हूँ कि चीनी महंगी ना हो, मैं चाहता हूँ कि Safraz Ahmed is leading Quetta Gladiators. Roshan Manama is going to oversee the toss coin, and we've got Asim as the Oppo mascot. He's going to hand over the coin to the home captain. Wahab, ready? Yeah. Roll it. Tails is the call. It is tails. It's come down as tails. Kya karenge sir aap? Sir, humme bowling karenge in this way. Conditions thodi si thandi bhi hai, fresh pitch bhi hai. फायदा उठाना चाहेंगे ये बिल्कुल अमित भाई, यही वजह है, थोड़ी सी फ्रेश वजह, कोशिश करेंगे ये अच्छा स्टार्ट करें, अर्ली विकेट लें ताकि टीम को अंडर प्रेशर कर सकें। कुछ घबराहट है या नहीं है, कहाँ पे देख रहे हैं अपनी टीम को इस वक्त, क्योंकि अब तो बिजनेस एंड की तरफ चला गया टूर्नामेंट? ये बिल्कुल अमित, घबराहट वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा बॉलिंग एरिया पर हमें देखने की जरूरत है कि थोड़ा सा बॉलिंग को हमें अच्छा करना है। उम्मीद है कि टीम आज जो है बॉलिंग में अच्छा कमबैक करेगी। तो कौन से बॉलर हैं आपके पास जो समझते हैं कि आपको मैच जिताएंगे? आई थिंक आज हमने कुछ चेंजेस किए हैं, रमीश सुहेल खान जो है वो टीम में वापस आए हैं, टाइम अमिस की टीम में वापसी हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारा फास्ट बॉलिंग है हसन असीम शाह के साथ ये आज अच्छे बॉलिंग करेंगे। अपनी फॉर्म से मुतमईन है, अच्छा खेल रहे हैं आप? जी, अभी तक कोशिश करना कि अच्छा खेलूं और कोशिश करना कि उसको कंटिन्यू रखूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वहाँ बैटिंग कितने रन, 15 ओवर्स, थोड़ा सा ट्रिकी मामला हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक अच्छा टोटल जो है वो स्कोर करे। रेगुलर कप्तानी मिल गया आपको, एक तो पहले मुबारक हो, पता नहीं मुबारक देनी है या प्रेशर में आप जो है वो आपका भी टेस्ट होगा? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रेशर है, मीन्स मेरा ख्याल है कि जब तक टीम आपका अच्छा करती है इट कम्स आउट एज अ गुड कैप्टन, और मेरा ख्याल है कि आपको जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छे तरीके से रीड करनी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उस तरीके से जो है उसको अमल करें उसके ऊपर। नाजुक ही मामला चल रहा है पेशावर जलमी का भी, एक विन दरकार है आपको भी शदीद। एग्जैक्टली, बिल्कुल चाहिए जी, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और कोशिश करेंगे कि जो हमारे प्लान है वो एग्जीक्यूट करें। लास्ट गेम में तो कराची ने हमें जो था वो बिल्कुल रूल आउट कर दिया था गेम से, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस मैच में वापस आए। कोई टीम चेंजेस इंपॉर्टेंट? हाँ जी, दो चेंजेस किए हम लोगों ने, लियम डॉसन अंदर आए हैं और इमाम आए हैं, टॉम बेंटन बाहर है और उसके साथ एक और चेंज हमने की है। ठीक है, नई नई कप्तानी है, समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड हैव अ गुड वन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Right then, Quetta Gladiators have won the toss and decided to fire it away and bowl. PSL Edition 5, Rawalpindi mein PSL 5 ka
18वां मैच पेशावर सर्वियों कोटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा 8:30 बजे शुरू और कोटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। 15-15 ओवर्स तक मैच को महदूद किया गया है। ये थी अब तक की पीटीवी ताजा तरीन मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। आप देख लें कि रोजमर्रा की अशाय खुर्दनोश जो है, अब बहरान पहले भी दूसरी गवर्नमेंट में भी आया, एक पेट्रोल का बहरान आया था पीएमएलएन गवर्नमेंट में, एक चीनी का बहरान पीपीपी गवर्नमेंट में आया था। हमारे यहाँ जो भी कोई सो कॉल्ड बहरान आए, जितनी जल्दी हमने उन पर काबू पा लिया। टमाटरों का आया था बहरान, आज उसका रेट देख लें, वो जो 300-400 पे चला गया था, आज वो 20-30-40 रुपए वाले रेंज में है टमाटर की प्राइस, प्याज की, आलू की, ये सब जो वेजिटेबल्स की प्राइसेस है, 50 से ऊपर है टमाटर जी, 50 से ऊपर नहीं है, इट्स इन द रेंज 40 के करीब ही है वो। उसके अलावा जी देखें और जो आसार अपना अहम जो अपना डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, आप तो पूरा डेटा लेकर। जी 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 बिल्कुल। एक जो बहुत जबरदस्त साइन ऑफ रिकवरी है वो ये है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो दिसंबर 2019 में 9.7% से इंक्रीज की। बहुत अरसा वो मनफी सतह पे रही लेकिन 9.7% से वो इंक्रीज की दिसंबर 2019 में। फरवरी में सीमेंट के डिस्पैचेस जो थे वो 31% उनमें इजाफा हुआ। इससे क्या मतलब अखज किया जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो अब पिकअप कर रही है और इसका असर जो है वो 3-4-5 और सेक्टर्स के ऊपर भी जाता है। तो ये जो है ये हमारे सामने आया डेटा। ठीक है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बड़ी अहम एक चीज होती है जी। फॉरेन कहते हैं आम आदमी समझता है ये डेटा। मैं अर्ज कर रहा हूं ना जी, नहीं मैं आम आदमी मैं उस पर भी आता हूं लेकिन पहले मुझे फरवरी में डॉलर एक्सपोर्ट ग्रोथ जो थी वो 13.6% जो है वो हुई। रेमिटेंसेज जो थे पिछले 3 महीने में, ये फॉरेन एक्सचेंज के जो सारे सोर्सेज हैं, पिछले 3 महीने में रिमिटेंसेज में 13% जो है इजाफा हुआ। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं स्टॉक मार्केट वगैरह में, 21% उसमें ग्रोथ हुई पिछले 3 महीने। मतलब हॉट मनी शामिल नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल हॉट मनी नहीं है, वो तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जी। और ये असद उमर साहब ने कल भी इसका बयान किया था, दिखाया हुआ है कि आपने भी उसका जिक्र किया, 8 महीने में 39% जो है बजट यूटिलाइजेशन, जो पीएसडीपी के ऊपर हुई है, डेवलपमेंट एक्सप्रेस स्पेंडिंग के ऊपर जो हुई है वो एक्टिव मेमोरी के अंदर। ये आप बता रहे हैं और जावेद अबाई साहब मायूस निगाहों से देख रहे हैं आपकी तरफ, पता नहीं क्यों वो कह रहे थे अच्छी फिगर्स आ गए हैं। जावेद अबाई साहब आपके कुलीग बता रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये अब ये सारी अब ये जो उसको कहते हैं ना अच्छी खबरें आई, टनल के एंड में लाइट आनी शुरू हो गई है, ये सारे मसले हैं जो भी वैसे नजर आने शुरू हो गए लेकिन ये सारे चीजें, सारे जो मामलात हैं, सारे जो फंडामेंटल हैं उसके अंदर पॉजिटिव जो है नजर आ रही है और ये ट्रिकल डाउन चले ठीक फरमा रहे हैं ये अपना ट्रिकल डाउन अभी नहीं, ट्रिकल डाउन लेकिन इसका लेकिन वो आसार शुरू हो गए हैं और ये सारी जो डेटा मैंने सेकंड स्टडी में आएंगे कि उसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा। जी जावेद भाई साहब आज तो वैसे वलीद इकबाल साहब माशाल्लाह दोनों आप लोगों का लीगल बैकग्राउंड है लेकिन वो तो नोट्स लेकर आए, फिगर्स के साथ बात कर रहे हैं, आप फिगर्स के साथ जवाब दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। जब ये वलीद साहब बातें कर रहे थे तो मैं मायूसी से नहीं बल्कि मेहरंगी से सुन भी रहा था और देख भी रहा था। मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो रहा है। देखे ना, इसलिए शायराना जवाब दिया, इसलिए कि असल मसला क्या है। अगर ये फिगर इनके मैं ठीक मान लेता तो शबरजादी साहब भाग के ना जाता। 3 आदमियों को इन्होंने दोबारा कॉन्टेक्ट किया कि आप आ जाए एफबीआर का संभाल लें। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट में नहीं आ सकते कि जो आप लोगों ने उस वक्त वैसे एक टारगेट आपने फिक्स कर लिया था कि हमें इतनी प्यारी रिकवरी होगी, ये मुमकिन हमारे लिए नहीं है, लिहाजा हम ये काम कर नहीं सकते। अच्छा, अगर ये बातें ठीक में इनकी मान लेता तो आज पाकिस्तान का जो कॉमन मैन है, जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, जो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, कोई एक एक एरिया के लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान में एक नाम एक बेहतरी आ रही है, बेहतरी आ रही है, मैं उसी पर आ रहा था। तो फिर भी मैं इनकी बात मान लेता। ये जो फिगर होते हैं ये आप ही देते थे 5.8 हमारे उसमें बड़ा फर्क है। पहली बात हमने किया कि 2018 में जहां हम छोड़ के गए थे चीजें, अगर मैं उस किसी एक चीज में भी बेहतरी होती तो ये क्रेडिट मैं इनको जरूर देता कि आपने बेहतरी की। करंट अकाउंट डेफिसिट की भी कमी का कह रहे हैं ना, आप दवाइयों की कीमतें आप देख लें, आम रोजमर्रा की चीजें इन्होंने कहां पहुंचा दी उनकी देखें, आटे की प्राइसेज आप देख लें, चीनी की प्राइसेज आप देख लें। अब प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बात करते हैं,
कि हम बिजली के जो लोग चोर हैं उनके खिलाफ हमें एक्शन लूंगा। वो भाई 16-18 महीने हो गए आपको एक्शन लेने का दवाई भी आई है, अभी आप कहते हैं कि अब मैं लूंगा, कब लेंगे, 4 साल बाद 3 साल बाद आप लेंगे। पेट्रोल की कीमतें सिर्फ इस वजह थोड़ी सी सस्ती की गई है कि आप जानते हैं कि आलमी मार्केट में जो है वो पेट्रोल जो है उसमें सस्ता हुआ, तो उस वजह से शायद पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने वो सारा में ट्रांसफर नहीं किया, अभी भी कर सकते थे, इन्होंने बहुत थोड़ा ट्रांसफर किया। हम इनको कहते हैं कि मेहरबानी करके ये फिगर ना बताएं, मेहरबानी करके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, मेहरबानी करके जो IMF की टीम आपने बिठाई है इसको इतना समझा दें कि पाकिस्तान के आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी कब आएगी, क्या आप कोई बेहतरी ला सकते हैं। या 3 बड़े स्कैंडल इनकी हुकूमत में हो जिसपे ये जवाब देने के लिए तैयार है, 3 बड़े स्कैंडल, एक भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बात तवातर से कहा करते थे, वो कहते थे कि अगर मुल्क में महंगाई हो तो समझना कि हुक्मरान करप्ट है, उस मुल्क की हुकूमत करप्शन में। आपने सुना हुआ था जी जी जी, इतनी बड़ी महंगाई पिछले 30 सालों में नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं इनसे पूछता हूँ कि जब इमरान खान साहब ये बात कह रहे थे कि जब महंगाई होगी तो उस मुल्क के हुक्मरान करप्ट है, वो ठीक है नहीं। पहला स्कैंडल, ओके, दवाइयों की कीमतों में 400% हुआ है, इन्होंने अपने एक मिनिस्टर को सेट किया, आपको पता है ना, कहने को प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाउस में आके कहा कि मैं उन लोगों को आके भटकाऊंगा जो इसमें इन्वॉल्व थे, मैं किसी तौर पर छोड़ूंगा। अब जब सवाल हम पूछते हैं ये हमें चोर और डाकू कहते हैं, उसका जवाब नहीं देते, इसमें 1000 रुपए लोगों ने दवाइयों की कीमतों में पाया। तीसरा जन नमकीन, ओके, किन लोगों ने उसे बरामद किया और किन लोगों ने उसके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करके उस वक्त जब जरूरत थी कैश में, रिपोर्ट तो पेश हुई 1000 रुपए उसमें। और चीनी के, इनके एक वजीर ने कहा कि चीनी वाले इतने माफिया उन्होंने कहा कि मुझे वो थ्रेट करते हैं और कहते हैं अगर कैबिनेट में उन्होंने ये बात की और अगर ऐसा मेरे साथ किया गया तो मेरी जान को खतरा है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने चीनी और आटे में इतना बड़ा पैसा कमाया, ये मेरा ख्याल खरबों की पूछ रहे हैं। एक आखिरी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब को एक रिपोर्ट आई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने FIA में लिखा के जी FIA वाले रिपोर्ट लेके आए, रिपोर्ट में इनके वो बड़े सीनियर लोगों के नाम थे, उन्होंने कहा ये तुम ले आओ मेरी हुकूमत ये हमारे खिलाफ होगा, जाओ इसको। नाम थे, अगर नाम ना होते तो इस तरह रिपोर्ट वापस होती। हम इन्हें कह रहे हैं कि वो, हमने क्या कहा, हमने कहा अगर आप सच्चाई में और वो ठीक है गलत है मेहरबानी करके आप हाउस में लेकर दें, हमें तसली हो जाएगी। अगर आप वो क्यों छुपा रहे, कहते नहीं उसमें कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी कि इसको इस तरह करके लाए, हमने कहा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन पर यह रिपोर्ट बननी है तो फिर जो पहले आपने FIA को दी थी वो रिपोर्ट की तो क्या जरूरत रहेगी। ये भली साहब ये मेहरबानी करके, ये तो एक संगीन इल्जाम इन्होंने लगाया नाम थे। देखिए जी मैं आपको अर्ज कर दूं, ये अपना जितने भी 18 महीने 19 महीने गुजर गए हैं कोई इस गवर्नमेंट के साथ स्कैंडल मंसूब नहीं हुआ। एक जो अजमा बुखारी साहब अभी प्रोग्राम्स के अंदर आके कहती रहती हैं मेमन डैम का अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट का, उसके भी सारे 80% जो सारे स्टेप्स थे वो PMLN गवर्नमेंट के दौरान ले लिए गए हुए थे, जब जिस कैबिनेट मिनिस्टर के हवाले से वो कहते हैं, वो मिनिस्टर भी नहीं थे और उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने अपने को अपनी बिजनेस से मुस्ताफी हुए हैं, ये इसको वो स्कैंडल बना के दिखाते हैं। मैं वही सिर्फ कर रहा हूँ, इधर तो ये सारी बातें, ये सारी बातें कंजेक्चर्स और कयास आ रही हैं, या तो ये कहेंगे जी हमें वो रिपोर्ट लीक हुई है हमने वो देखी है, वो सारी बातें कयास आ रही पे ही है ना। वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ने नाकाफी समझी और जो इस पे आज मैं प्राइम मिनिस्टर से एक मीटिंग में स्पोक्स पर्सन की मौजूद था वहां से होके आया हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जितना संजीदगी से जो है अभी तहकीक की जा रही है आटे और चीनी दोनों के ऊपर से, और जो आएगा उसको मंजर आम पे लाया जाएगा, मंजर आम बिल्कुल लाया जाएगा। और ये वो रिपोर्ट वो गैर तसली बख्श रिपोर्ट थी इसलिए उसको वापस किया। और अद्वियात का कह रहे हैं, अद्वियात का भी कोई अद्वियात वाले, आप अद्वियात वाले किसी को बुलाए ना यहाँ पे कि क्या मसला हुआ है यहाँ पे, अद्वियात की कोई आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बुला के पूछें कि उनके साथ क्या सही सब। आपने दो बयानिए सुन लिए, वलीद इकबाल साहब वजीर आजम साहब तर्जुमानों की पार्टी की उनकी रेगुलर मीटिंग करते हैं उस दिन उठ के आए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अपने अजम का इजहार किया कि हूएवर इज इन्वॉल्व उनको करार वाक्य सजा दी जाएगी, इन्हें एतबार नहीं है प्रेस डेफिसिट। आप जावेद भाई साहब को देखिए, मैं सर बात ये कि दोनों पढ़े लिखे हमारे रिस्पेक्टेड सेनेटर हैं और जाहरी बात है कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर हैं। मैं समझता हूं कि पार्टीज के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होना चाहिए, जिनको वो टिकट देते हैं जिनको वो अपनी पार्टी के करीब लाते हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। अब नून लीग को ही ले लीजिए, क्या उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, क्या उसमें ट्रेडर्स नहीं है बड़े बड़े, क्या उसके अंदर शुगर केन की क्रॉप जो है उनकी नहीं उगती, कहते कॉन्स्टिट्यूएंसी वही है। मैं जी जी मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह PTI को देख लीजिए कि खुसरो बख्तियार साहब का जो पहले नून लीग में थे क्या उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है नहीं बनता, रजाक दाऊद साहब का बनता है नहीं बनता, खुद
आमिर कियानी साहब को, जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे थे कि जी कीमतों में इजाफा हुआ और स्कैंडल जो उनको हटाया गया, उनको हटाया गया, उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया पार्टी का, तो वजारत से तो हटाया। कहने का मकसद ये है कि जब तक सियासत की हैयत नहीं बदलेगी, और इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ से यही उम्मीद थी और यही उम्मीद है कि आप रिवायती, अगर आप कहते हैं कि जरदारी साहब की पार्टी पीपुल्स पार्टी, भुट्टो साहब की पीपुल्स पार्टी और शरीफ खानदान की नून लीग जो है, अगर उसने रिवायती पार्टीज हैं, उन्होंने लूटा खसूटा है और वो फ्यूडल लॉर्ड्स को और इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट को पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, तो आपने क्या डिफरेंट किया है, आपने क्या मुख्तलिफ किया? तो मैं समझता हूं कि तीनों पार्टीज को अपना एहतसाब खुद करना चाहिए, वरना मैं ये आप हम सब, यानी कि देखिए 77 की इलेक्शन से तो मैं देख रहा हूं, जब बिल्कुल छोटा था स्कूल में और मेरे लड़का ना से ताल्लुक है, रिगिंग का मामला वहां पर हो रहा है, फ्यूडल लॉर्ड्स पार्लियामेंट के अंदर वैसे आ रहे हैं, जो चीजें चेंज हो रही हैं उसको हाईलाइट नहीं करते पॉलिटिकल पार्टीज, चीजें चेंज कैसे हो रही हैं। लेजिस्लेशन देखिए, आज चाइल्ड प्रोटेक्शन, आज जो कॉर्पोरेट पनिशमेंट का हुआ है, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट बच्चों के जिस्मानी तशद्दुद के हवाले से जो स्कूलों में ज़ैनब अलर्ट बिल इन्होंने पास किया, ऑनर किलिंग का नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट। ये जो हम पीट रहे हैं, रोना पीट रहे हैं, उसमें फंडामेंटल चेंजेस चाहिए, मईशत में भी फंडामेंटल चेंज चाहिए, सियासत में भी फंडामेंटल चेंजेस चाहिए। कौन लाएगा? जब तक यही लोग लाएंगे, हमारे तो देखे ना, यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है। मैं इस तरह से पार्लियामेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि हम तो इन्हीं के ऊपर उम्मीद है ना, एज अ सोशल डेमोक्रेट हमारा आइन क्या कहता है, हम इन्हें मुंतखब करते हैं, ये पार्लियामेंट में जाते हैं। उसके लिए अनवार साहब, जब तक पार्लियामेंट का साइज बड़ा नहीं होगा, जब तक 600-700 सीटें नहीं होंगी, कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज छोटा नहीं होगा, उस तक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते। मेरी आपकी जेब में 54 करोड़ हो तो जब हम पार्लियामेंटेरियन बने, तल्ख हकीकत यह है, या 10 करोड़ हो, चीजें चेंज हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो तरीके साहब में या नून लीग में या पीपुल्स पार्टी में, आप देख लीजिए, कृष्णा कुमारी है ना, शेड्यूल्ड कास्ट से है और थर्ड पार्टी से, पीपुल्स पार्टी इसी तरह नून लीग के साथ है, इसी तरह पीटीआई, लेकिन ओवरऑल चेंज जब आएगी उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं बनता। चले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छुटकारा जब हासिल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। Song 4G की सुपर वीकली मैक्स ऑफर लगाएं और 25GB डेटा के साथ YouTube पे अपने फेवरेट क्रिकेट सीजन की लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय करें। सिंपली विजिट youtube.com/bsportspk। नोवल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामत में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासर अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। आवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क, बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामत का शुबा है, तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। Song 4G की सुपर वीकली मैक्स ऑफर लगाएं और 25GB डेटा के साथ YouTube पे अपने फेवरेट क्रिकेट सीजन की लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय करें। सिंपली विजिट youtube.com/bsportspk। वेलकम बैक वलीद इकबाल साहब, एक और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हम सियासत की तरफ जाएं, क्योंकि आप वजीर आजम साहब की उस मीटिंग से उठकर आए हैं। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जो भी आटे या क्राइसिस में जो भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ उनको सजा होगी। कल उन्होंने ट्वीट किया इकोनॉमी बेहतर हो रही है,
लेकिन आपने खुद कहा था ये इंटरेस्ट रेट 13.25%, इसमें कमी वाक्य होगी क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और इन्होंने शब्बर जैदी साहब की बात की थी, कुछ वज़ीर आज़म साहब ने बताया, अखबारात में भी खबरें आ रही हैं कि हारून अख्तर साहब को भी कहा गया है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पीटीए गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर एफबीआर चेयर, बहुत क्रिटिकल है क्योंकि आपने बजट देना, उसके लिए रेवेन्यू का शॉर्टफॉल और शायद इसलिए पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा किया गया। देखिए जी, रेवेन्यू का शॉर्टफॉल जो है वो एक तो टारगेट्स बड़े एम्बिशियस थे और बहुत ज्यादा, तो उनको तो डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है। अच्छा, और आप अगर देखें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन दो अगर शॉर्टफॉल है तो अगर आप कई मेजर्स पे जब उसको एक साल पहले से कंपेयर करते हैं उसमें अच्छा खासा 14-14, 18-18, 20-20% जो है वो इजाफा हुआ हुआ है। तो वो हम समत जो है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। शबर जैदी साहब तो अलील हैं, मुझे तो उसकी यही इतला है और उसके अलावा कोई नहीं ऐसी बात। और अखबार में मैंने सिर्फ देखा है कि नए एफबीआर चेयरमैन की जो है वो अब बासगश्त सुनाई दे रही है, बासगश्त सुनाई दे रही है, कुछ या लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं क्या, लेकिन मैंने अखबार में ही वो देखा है। वो मैं कुछ सरकारी गुफ्तगू का ऐसी का हिस्सा नहीं रहा जिसमें कुछ बात मैंने सुनी। और इंटरेस्ट रेट में कमी, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जी जो उसका मकसद था इसको इस लेवल पे रखने का, वो क्योंकि उसका पर्पज जो है वो अकम्पलिश हो गया हुआ है और उससे जो उसके जो मुस्बत असरात थे वो अवेल किए हुए हैं, तो यस उसका क्या मुस्बत असरात मरतब हुए। देखें जी, मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया, एक आपका इन्फ्लेशन रेट जो है उसको चेक रखने, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी हमेशा इन्फ्लेशन रेट को चेक रखने में होती है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट पीक कर गया जनवरी में और फरवरी में उसने नीचे आना शुरू कर दिया, ये लोगों का एतमाद अपने करेंसी में और कन्वर्जन फ्रॉम हार्ड करेंसी जिसे आप कहेंगे यूरो या डॉलर या पाउंड से वो रुपयों में आए, वो सारा जो सिलसिला था वो आपके सामने आया। इसके अलावा आई थिंक इवन जो जिसको आप हॉट मनी कह रहे हैं, बहुत 2.5 अरब जो है डॉलर के करीब जो है वो उस तरीके से आए, सो उसमें इन्फ्लोज उस नौयत के भी काफी सारे हुए। सो एनीवे, अब क्योंकि वो पर्पज उसका अचीव हो गया हुआ है और उसको मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करने के ऊपर अब गौर किया जा रहा है, और मैंने जिस तरह किया इसके ऊपर मेरे से ज्यादा बेहतर आप उस बयान को या उस गुफ्तगू को जो एक दो दिन पहले भी स्टेट बैंक के गवर्नर ने, क्योंकि उनके डोमेन में आता है, उन्होंने भी कहा है कि उस पर हम कबल अज वक्त नजरसानी करने का इरादा रखते हैं। जरा भाई साहब, कराची का जरा बात करते हैं, सियासत की भी उन्होंने बात की जो पॉजिटिव्स हैं। कल सैनेट ने पास किया, नून लीग ने वोट दिया था जनरल अलर्ट बिल के पास, उन्हें दिया था, पीटीआई भी इसमें शामिल है, पीपी जमात इस्लामी ने अप्रिशिएट करते हैं, वहां भी किया फ्लोर पे और अभी भी वो एक अच्छा आप लोगों ने काम किया, बच्चों पे तशद्दुद के हवाले से उन्होंने कहा नवाशी साहब के दौर में ऑनर किलिंग। शायद खाकाना भाई साहब कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट तय होने चाहिए, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तमाम पार्टियां बैठे हैं, स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, मुल्क को आगे कैसे चलाना है उसमें जरा रोशनी डालिएगा, कोई तब्दीली होनी चाहिए रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट में। देखिए, जब कल जनरल अलर्ट बिल आया तो सबसे पहले मैंने उस पर बात की, आपने, मैंने उस पर एक तजवीज दी थी जो बहरहाल वहां हो नहीं सकी, और उन्होंने कमिटमेंट की हमारे साथ गवर्नमेंट ने कहा इसमें लेंगे तरमीम का कहा था। मैंने कहा कि देखें, आप पे दो क्लासेस जो है जी, कि अगर किसी बच्ची और बच्चे को जो 18 साल से कम है उनको अगवा इस नीयत से करता है या रेप के लिए या मर्डर के लिए, तो फिर उसकी सजा मौत होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आप जब डेथ पेनल्टी इस हद तक नहीं रखेंगे ना, क्योंकि उम्र कैद का अभी तक हमारे यहाँ डिटरमिन नहीं हो सके कि उम्र कैद कितनी है। कुछ लोग 6 साल बाद आ जाते हैं, कुछ 10 साल बाद आ जाते हैं, 14 साल का ही 14 साल है, लेकिन वो मिलना शुरू हो जाती है, अकाउंट। अगर इस तरह के क्रिमिनल में सोसाइटी से पाक करना है तो मेरा अपना जाति ही आता कि नहीं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी अगर आवाज किसी स्लेवरी के लिए करता है, किसी और किसी पर्पज के लिए करता है, तो उसमें गुंजाइश जरूर दे दें कि उम्र के आदमी शक्का दे, लेकिन अगर इन दो ऑफेंसेज में कि अगर रेप के लिए और मर्डर के लिए, तो मैंने कहा कि इसमें सजा मौत रखें, क्योंकि इससे कम सजा रखनी बिल्कुल नहीं चाहिए हमारी सोसाइटी में जो रोज इंसिडेंट हो रहे हैं। इसलिए मैंने बड़ी स्ट्रांगली कहा था कल, कुछ लोगों ने मुझे माइक सपोर्ट की थी, लेकिन चूंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी और चूंकि हमारी दुश्चिंत का अपना एक दिया था, लेकिन इन्होंने ये वादा जरूर किया, मुझे यकीन नहीं है कि वादा पूरा करेगी हुकूमत, लेकिन इन्होंने मुझे वादा फ्लोर पर किया जरूर कि हम करेंगे। जहां तक आप कह रहे हैं कि कराची में शाहिद खान अब्बासी साहब गए, एमकेएम साहब लोग मिलने गए, लेकिन सियासी जमातों के साथ हमारे हाउस के अंदर भी रबते हैं और बाहर भी रबते रहने चाहिए। ये बात हम अच्छे से कह रहे हो, ये बात अब पाकिस्तान की जरूरत बनती जा रही है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बहुत जरूरत पड़ती है, कि अदारे आपस में हम जरूर बैठकर बात करें,
उसमें अगर हम आज आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे तो जो किस मौजू पे बात करें, देखिए इस मुल्क को किस तरह हमने चलाना है, वो तो तय है तिहत्तर के आइन के तहत नहीं। आपको सारी चीजें जिनको डिस्कशन करने की जरूरत है, बहुत सारे अदारे जो हैं उन्हें आपस में बैठकर एक दफा बात करनी होगी। इस मुल्क में अभी एक बात डिटरमिन हो जानी चाहिए, देखें पार्लियामेंट का क्या रोल होगा, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, लेजिस्लेटिव का क्या रोल होगा, जुडिशरी का क्या रोल होगा। अगर जुडिशरी सारे काम खुद करना शुरू कर दे क्या इस तरह हुकूमतें चल सकती हैं? तो कहें जी गंदम की रेट भी हम रखेंगे, फलां का भी हम करेंगे, अस्पताल भी हम चेक करेंगे, डैम भी हम बनाएंगे, इस तरह दुनिया में कोई हुकूमत काम कर सकती है? ये एग्जीक्यूटिव की डोमेन है, इन दुकान पे बहस होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए डायलॉगों में। इसी तरह पार्लियामेंट को अगर आपने सिर्फ ऑर्डिनेंस से चलाना है फिर पार्लियामेंट की जरूरत नहीं, अगर आप रोज एक नया ऑर्डिनेंस निकाले तो फिर हमारी जरूरत नहीं है। हमारा काम जो लेजिस्लेचर का वो क्या काम है, सबसे प्राइमरी हमारी जिम्मेदारी है। फिर दूसरी बात है हमारा काम है ओवरसाइट, हम एग्जीक्यूटिव को पूछते हैं कि जनाब आटा और धंधा में चोरी हुई है, ये हमें गाली देना शुरू कर देते हैं कि ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं, दूसरे भाई गाली देने से तो काम नहीं हो सकता। और तीसरा बड़ी जरूरत इस वक्त भी है, हाउस के अंदर भी कोई माहौल ऐसा नहीं रहा, माहौल हाउस के अंदर ये भी तो आप लोगों ने बनाया सबने हुकूमत के लिए, तो बेस्ट फोरम इज द पार्लियामेंट इटसेल्फ। एग्जैक्टली, मैं कहता हूं जब गेम ऑफ सारी सियासी पार्टियां तो बैठे अब्दुल्ला साहब होते हैं, फिर फैसल जावेद साहब आ जाते हैं, फिर तय हो गया ना अब तो ये बातें। एक बात माने कि हम सबसे गलत गए, गलती हुई है ओके, लेकिन तो ये बात कर रहे हैं आप खालिद महमूद साहब, नहीं मैं आपने पूछा तो मैंने कहा कई बड़े इशू, मैंने कहा मुलाकात भी इसी मुलाकात ये है कि जितनी पार्लियामेंट के अंदर जमाते हैं वो एक पेज पे आके ये गेम्स जो है कोई रूल आपने इस गेम्स के रूल सेट करने और ये नई टीम उतारी है आपने पीएमएल, ये सारी टीमें पहले की हैं, कोई नई टीम नहीं है। सदीक मलिक साहब नहीं मरियम औरंगजेब, देखो कहते हैं ये मरियम नवाज साहबा की टीम है, शहबाज शरीफ साहब की टीम है, यहाँ टीम एक ही है जो पाकिस्तान मुस्लिम मियां नवाज शरीफ की टीम है, शहबाज साहब का बयानिया तो बयानिया शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब एक ही बयानिया है, बयानिया में कोई फर्क नहीं था। ये तो अवैध भाई साहब इस पर यहाँ हमेशा डालने की कोशिश की गई, कहा गया ये जमातें होंगी या एक ही बयानी है। जो शाहिद काका नपाई साहब है जिस डायलॉग की आप बात करने आपने इब्तदाई में की, जब वो वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत के बाद, उन्होंने जब भी कहा था नेशनल डायलॉग एक होना चाहिए, और जो हमारे दोस्त जावेद अबाई साहब जिन्होंने नाम नहीं लिया, बेसिकली ये किससे करना चाह रहे हैं, उसमें अस्करिया भी है ना, इस्टेब्लिशमेंट भी है, एग्जेक्टिव मैंने नाम लिया एग्जेक्टिव, हाँ मतलब अदलिया और हमारी ये सारी जो सियासी ताकत है और इस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिकल फोर्सेस के, और वो ये बात कर लें कि भाई किस सतह पे लेकिन डायलॉग होगा, किस फोरम पे होगा। देखिए मैं समझता हूँ कि तो सबक जस्टिस ने भी कहा था, खोसा साहब ने कहा था, फिर सबक सेनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी साहब ने किया था। और अगर आपको याद हो कि कई दफा हमारे आर्मी चीफ हमारे जो आईएसआई चीफ वो सेनेट के उसमें भी गए थे उसामा के उसामा बिन लादेन के बाद, तो ऐसा तो कोई नहीं हुआ कि वो मारपीट हुई हो। अगर 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 चीफ ने भी दी थी सेनेट की, जी जी बिल्कुल, आर्मी साहब थे शुजा पाशा साहब जनरल, अभी जनरल उन्होंने भी दी घंटे की बड़ी। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे बहुत सारे साथी हैं वो कहते हैं कि राबता नहीं होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट अलग है और ये अलग है, नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो आपकी हुक्मरानी होती है उसके अंदर अगर एक पेज पर हैं और बहुत सारे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं या एक हसास मामले के इशू है उस पर अगर डायलॉग हो रहा है तो कोई ऐसा मसला तो नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। तो अफगानिस्तान का जैसे मसला है, अफगान तालिबान का जैसे अभी अमन अमल है, उसका फ्यूचर जो है वो कितना कठिन है, उससे हमारा पूरा माशरा जुड़ा हुआ है, हमारे हम पे सबसे ज्यादा इम्प्लीकेशन उसकी हुई है, हम बात नहीं करते ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, सऊदी अरब के साथ कैसे होने चाहिए, इसमें कोई मजायका तो नहीं है। और फिर ये जो स्टैंड ऑफ होता है कभी जुडिशरी का होता है एस्टेब्लिशमेंट का होता है, कभी जुडिशरी और हुकूमत का होता है, ये नहीं होना चाहिए। और ये मामला ऐसे तरीके से आगे चलने चाहिए क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है,
यानी कि अगर मैं जाऊं डॉक्टर के पास तो मेरे वाइटल देखेगा और वो कहेगा यार आपका ब्लड प्रेशर ठीक है नहीं है। तो अगर हम ये समझ रहे हैं और हम इस धरती से जुड़े हुए हैं, रियासत से जुड़े हुए हैं, अगर हम समझते हैं कि हमारे वाइटल्स जो है वो इम्प्रूव होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, जिसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें पोलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो इसमें अगर मिल बैठ के बात हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती। एक बात ठीक है। दूसरी बात जो ये कह रहे थे जावेद भाई साहब, ये बिल्कुल टीम अलग है, अलग है, अलग है। सुने मैं बताता हूँ क्यों। अलामती तौर पे अलग है, अलामती तौर पे क्योंकि जेल से आए हैं और एक स्टैंड लेकर आए हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये फेसेस अब होने चाहिए, मिस्टर इस्माइल साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, और ये पढ़े लिखे लोग हैं सारे तीनों, मुसद्दिक मलिक साहब सारे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं समझता हूं कि जो इस वक्त एक बहस चली हुई है अपोजिशन और हुकूमत के माबेन, वो ला हासिल है, उसका कोई हासिल नहीं है, और मीडिया भी उसमें कंज्यूम हुआ हुआ है, और वो है कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी का कजिया। अब आप जो बुनियादी मामलात हैं वो पीछे चले जाते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले तीन चार माह से यही मामला चल रहा है, तो उसका तो एक बड़ा एक डिफाइंड होना चाहिए ना। ये डिफेंड करने लग जाते हैं क्योंकि जाहिर बात है कि एक शख्सी सियासत है, ये नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करने लग जाते हैं। हुकूमत जो है वो एक पॉलिटिकल कॉस्ट उसके साथ जुड़ी हुई है कि वो बाहर जाएंगे, उनको तो लूट खसूट कहा था, तो जो भी जिसको जमानत मिलेगी, जिसको रिलीफ मिलेगी, जो बाहर जाएगा, तो इमरान खान साहब उनकी हुकूमत को और उनकी पार्टी को एक पॉलिटिकल कॉस्ट उसके साथ जुड़ी हुई है, वो पे करना पड़ेगी। तो वो उसका मामला उठा रहे, वो उठाएं डिलीवरी और गवर्नेंस के मामला पे, ये उठाएं सेहतमंदाना तनकीद करें। देखें ये नेशनल जो आपका जो टीवी चैनल है, ये स्टेट ओन टीवी चैनल है, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन तनकीद करे, चेक एंड बैलेंस रखे, लेकिन ऑल्टरनेट भी दे। अगर ये समझते हैं कि माशी प्रोग्राम सही नहीं है हुकूमत का, तो ये ऑल्टरनेट बिठाए ना, कि हम समझते हैं कि जी आप करंट अकाउंट डेफिसिट इस तरह करें, इंटरेस्ट रेट 13.25 पे रखा है, ये सही नहीं है, 5500 आपने जो टारगेट रखा है रेवेन्यू टारगेट उसको चले, आपने IMF के सामने किया, आप IMF के पास जाएंगे तो आप ये होगा। पार्लियामेंट का माहौल किस तरह सही हो, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी हो रही है। अभी अबाई साहब कहते हैं, एक बात सिर्फ मैं आपसे कहूं, सॉरी लंबी बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, वो क्यों बाहर है? शहबाज नवाज शरीफ साहब तो तबीयत की वजह से हैं, शहबाज शरीफ साहब क्यों बाहर? आज उन्हें यकीन दहानी कराई फजल रहमान साहब को कि मैं आपके साथ हूं, उनको, आप करें, उनको यकीन दहानी कराई ना, यहाँ पे क्यों नहीं है भाई, यहाँ पे अपना रोल। ये मैं पूछूंगा बलि देखो, पार्लियामेंट के माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए। सबसे पहले ये सेनेट पे इतना शोर तो कभी हमने सुना ही नहीं था, परसों चौथ भी लड़ाई होते होते फिजिकल वही मौजूद था और अबासी साहब भी वहीं मौजूद थे और हम भी एक दूसरे से चंद फुट के फासले में, इधर भी अल्लाह खैर करे चंद फुट के फासले पर नहीं, वहां मेरे ख्याल में ऐसा माहौल पैदा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कि नहीं किए जाने चाहिए थे। आपका सवाल तो कुछ और था कि वो कराची गए हैं जावेद अब्बासी साहब के साथ ही और उन्होंने एक हमारी हलीफ जमात के साथ गुफ्तगू शनीद की है, वो आजकल आपसे खिंचे खिंचे हैं तो ये चले नहीं, नहीं कोई कोलिशन जो है गवर्नमेंट वो बिल्कुल स्मूथली चल रही है। अच्छा। और अपोजिशन में जो है वो बिल्कुल वाजे है और रोज रोशन की तरह वाजे है कि बहुत ज्यादा इंतशार पाया जाता है और ये इससे आप इसी बात से आप ये और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन ये हाल ही में जो चेयरमैन शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना अपनी तोपों का रुख, वो सिलेक्टेड वाली तोपों का रुख, उन्होंने कहा कि जी मियां साहब भी सिलेक्टेड थे तो फिर उनके पापा को शिकायत की इनकी पार्टी की लीडरशिप ने। अच्छा, पापा को शिकायत, इनके पापा को शिकायत की कि जी इसको बच्चों को बात करें ये मतलब तो इसे क्या नजर आता है। एक जस्ट एज वन एग्जाम्पल कि दो अपोजिशन की बड़ी जमातें जब एक तो एक डैगर ड्रॉन की कैफियत पे अगर अप्रोच कर रही हूं तो फिर बाकी ये जो छोटी छोटी और जमातें हैं मौलाना साहब आज फिर काफी सीरियसली संजीदगी से कह रहे थे कि मेरे साथ वो जो बातें हुई हैं तय हुई हैं बात सारी ये करें वरना मैं फिर मैंने आपको मैंने गिनवाया ना आपको कि ये जो अब बहुत सी साइंस ऑफ रिकवरी और इम्प्रूवमेंट और टेक ऑफ जो कि आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नजर आ रहे हैं ये अब और ये बड़ी तगोदौ ये बड़ा मुश्किल पीरियड था जिस हालत में इकॉनमी जो थी उसको हमने संभालना शुरू किया
ملک کا دیوالیہ ہونے والا تھا اس کو کر کے اب جب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے آگے ٹیک آف والا, اور تو جس طرح ٹیک آف کا سال یہ ہے عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر نے کہا تھا, تو یہ ہضم بھی نہیں ہو رہا ہے اپوزیشن کو, تو بس یہ اس طرح بڑکے مار رہے ہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں. اچھا آپ لوگ بالکل بالکل جو, اور کوئی اور آپ کا سارا فوکس گورننس پہ, سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ ہے کہ جی جس طرح ہمارا الیکشن سلوگن تھا سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, وہ آپ ہمارے پروگرام دیکھیں, احساس پروگرام, کفالت پروگرام, یہ احساسوں کا, اسکالرشپس کا, پھر اس کے علاوہ صحت, یہ جو عوام کے لیے اہم چیزیں ہوتی ہیں اس پہ صحت, تعلیم, یہ پاورٹی الیویشن, وہ کام شروع کیے ہیں. دیکھیں روم ایک رات میں نہیں بنا تھا, یہ پانچ سال کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں نا ہم, پانچ سال کا مینڈیٹ خیبر میں لیا ہوا تھا, اور خیبر کی جمہوری تاریخ جس کو پہلے این ڈبلیو ایف پی کہا جاتا تھا, اس میں کوئی پارٹی دوبارہ اقتدار میں نہیں آئی الیکٹ ہو کے, پی ٹی آئی آئی ہے اور زیادہ بڑی اکثریت سے آئی ہے. یہ ڈلیوری تھی ہماری, یہ ہم نے وہ کام کیے جو پہلے کوئی اور نہیں کر رہا تھا, یہ بلین ٹری سونامی, یہ پولیس ریفارمز, یہ ایجوکیشن ریفارم, یہ مقامی حکومت کے ریفارم, اور ایک اور وہ کام جس کو کوئی ہم نے اشتہار بازی نہیں کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ووٹرز نے اس کو بڑی پذیرائی دی, وہ ہمارا صحت انصاف پروگرام خیبر کے اندر نیشنل لیول پہ آ رہا ہے. اچھا تو میں گنوا رہا ہوں آپ کو جو ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ اپوزیشن انتشار میں, اپوزیشن جو ہے اس کو ہضم نہیں ہو پا رہا, اور یہ پھر اس طرح کی یہ عدم استحکام کریٹ کرنے کے لیے, بے یقینی کریٹ کرنے کے لیے, انسرٹنٹی کریٹ کرنے نہیں دینا چاہیے, یہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں گی اب وہی چاہ رہا ہے, یہ ہوگا وہ, کوئی اس کے کوئی پاسبلٹی اور آثار نہیں ہے. انہوں جی ولید اقبال صاحب نے کہا کوئی آثار نہیں اور آپ انتشار کا شکار ہیں. ولید اقبال صاحب سے صرف مدبانہ گزارش ہے کہ آپ کا ویسے جو گفتگو کا ٹھنڈا ہے اور ان کا گرم ہونا بتا رہا ہے کہ کچھ انتشار ادھر ہے, جس پچ سے وہ آئے اور جس پچ سے آپ اٹھ رہے ہیں, بھی پچ اٹھائیں گے اپنی, جس کو سرٹ سمجھے. ایک تو رہے ہم سے آج اس جماعت کا ہے, یوں نہ ہم اسے پہنچ سکتے ہیں, اور میرے جیسا آدمی تو اس کے قریب قریب سے بھی گزر نہیں سکتا. آپ کو ایسی مشکل سزا کا سامنا بھی کرنا پڑا, بہتان لگانا, الزام لگانا, اب تو کوئی الزام نہیں, میں کوئی بات جھوٹھی بات کرنا, ایسی باتیں کرنا جن کی بے بنیاد باتیں کر دینا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نے کہا کہ ماحول میں اس جماعت میں کھڑا کیا, اور ایک تماتر سے گالی دینا ان کے قریب بھی کوئی اور آدمی نہیں آ سکتا, میں آپ کا نہیں کہہ رہا, میں اپنی جماعت کی نمائندے کی کہہ رہا. اصل مسئلہ کیا, ہم ان کو سچ یہ کہتے ہیں کہ آپ جس پاکستان کے لوگوں سے وعدہ کر کے آئے تھے, جی جی, چار بڑی باتیں جناب انہوں نے قوم سے باتیں کی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو قیمتیں سب سے نیچے لیول پہ لے جائیں گے, ٹھیک ہے, ہم آئیں گے تو ہم سب سے زیادہ نوکریاں دیں گے, 16 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے, 16 لاکھ, یہ فکر نہیں, پاکستان کی تاریخ سب سے بڑی مہنگائی اس وقت جاری ہے, جو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, انہوں نے گھر اجاڑ دیے ہیں, تباہ لوگ بے حال ہو گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جب ہمارے آئیں گے تو دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہماری آئے گی, اور انویسٹر آئے گا 1 روپے کی, بتا رہے ہیں ایف ڈی آئی ابھی فکر دی آپ کو, ابھی میں اس کا بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں پورٹ فولیو, آپ ایک اس پاکستان میں ایک بڑا پروجیکٹ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کوئی شروع کیا ہو, ایک انڈسٹریز کو انہوں نے شروع کیا ہو. اسد عمر صاحب کا بیان ہے, میری طرف آپ دیکھیں, 8 مہینوں میں ترقیاتی فنڈ کا 39% استعمال, اگر اسد عمر صاحب اتنے لائق ہوتے تو 7 مہینہ بعد انہوں نے اپنے فائنانس منسٹر کو سیکٹ کیا, اور اس بنیاد پہ کیا کہ وہ ڈلیور نہیں کر سکا, پلان کا بنا دیا, میں نہیں کہتا, اسی رات وہ کسی ٹی وی شو پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کس لیے سیکٹ کیا گیا, انہوں نے کہا پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ڈلیور نہیں کر سکے, تو ٹھیک, اور وہ آدمی جن کو سب سے زیادہ اس وقت جب حکومت تھی تو یہ بین کرتے تھے کہ یہ ہمارا ایسا اپنا توڑے جائے گا تو اکانومی سب ٹھیک کر دے گا, مسئلہ کیا ہے, مسئلہ ان کو کیا ہے, 3 بڑے ایشو ہیں جو ان کو ایڈریس نہیں کر رہے, یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں, ان کو نہیں پتا, اور ان کو پتا, میں کہتے ہیں گالی نکال دیا تو مت لگا رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, میں نے کہا وہ سچائی بھی بات ہے جو بالکل میں ہر جگہ کہوں, ایک گورننس کا ایشو, میں نے کراچی کی عمارت کی, وہ بھی گورننس کا ایشو ہے, جو چیف منسٹر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ ڈلیور کر سکتے ہیں, جو ٹیم انہوں نے لگائی ہے یہ بڑا لائق آدمی ہے, یہ بڑا لائق, یہ علامہ اقبال صاحب کے پوتے ہیں, جی جی, اس کو سب سے امپورٹنٹ منسٹری ملنی چاہیے تھی, انہوں نے سارے ٹیکنوکریٹ لگائے ہوئے ہیں, ذرا آپ کی ہو سکتا ہے یہ بات سن لیں, 3 باتیں اب ان کی سفارش ہے, میں کچھ بنوں گا نہیں, کبھی نہیں, نیگیٹو جائیں گے, نیگیٹو جائیں گے, کرونا وائرس کا اب ایشو ہے, انہوں نے جو ہیلتھ میں لگایا ہوا آدمی نہ وہ کسی کمیٹی کی میٹنگ میں آ سکتا ہے, نہ وہ پارلیمنٹ میں آ سکتا ہے, آپ کو پتا اس بات کا, یہ ظفر مرزا صاحب, ظفر مرزا کسی کمیٹی میں نہیں آ سکتا, اپیئر ہی نہیں ہو سکتا,
بیکاز آف بینگ اسپیشلسٹ اسپیشلسٹ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا بلکہ یہ دنیا کا بڑا چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے کرونا وائرس اس آدمی کے پاس انہوں نے ہیلتھ منسٹری دی ہوئی ہے جو نہ پارلیمنٹ میں آ سکتا ہے نہ کسی کمیٹی میں آ سکتا ہے نہ اسے پوچھ سکتا ہے دوسری آدمی ہمارے شوز میں بتاتے رہتے ہیں گورنمنٹ کا فیس گورنمنٹ کا فیس ہوتا ہے انفارمیشن منسٹر انہوں نے وہ بنائی ہے جو نہ پارلیمنٹ آ سکتی ہے نہ کمیٹی میں آ سکتی ہے روز بار پاکستان میں باہر جا کے پریس کانفرنس کرنا اور ایسی باتیں کرنا جو اسی طرح جو فائنانس جو فائنانس انہوں نے بنانی ہے ٹیم کون ہے الیکٹڈ لوگ نے بنائے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ٹیکنوکریٹ ہیں جنہوں نے ووٹیں نہیں لی ہوئی ہیں جنہیں پاکستان کے لوگوں کے پاس نہیں جانا یہ کتنی بڑی کہہ رہے تھے کہ ہم اچھائی کی ہے اور اگر آپ نے پولیس خیبر پختونخوا میرا اور آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے یہ تو کبھی پشاور دس سال بعد میں ایک دفعہ گئے ہوں گے وہاں کی پولیس ہمیشہ سے اچھی تھی وہ پنجاب کی پولیس آپ نے کیوں نہیں اچھی کی یہ دورانی صاحب کو لے گئے دو دن دورانی صاحب کو نہیں رکھ سکے عمارت جو ہے یہ اس میں سر یہ بھی تو بہت بڑا گورننس ایشو ہے اس میں سر تھوڑا سا جلدی سے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم تحریک انصاف وفاقی حکومت سندھ حکومت سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی سب اس کے اندر ذمہ دار ہے نا آپ بتائیے کہ 2.5 کروڑ کی آبادی تقریباً رف ایسٹیمیٹ ہے اور وہاں پہ 40% جو وہاں کے جو ان پلانٹ آپ نے آبادی کی ہوئی ہے سلمز بنائے ہوئے ہیں میں اور آپ کیا نہیں چاہتے کہ مسجدیں بنے چاہتے ہیں بالکل چاہتے ہیں لیکن آپ غیر قانونی جو بستی بناتے ہیں اس سے پہلے آپ وہاں پہ ایک مسجد بناتے ہیں تاکہ کوئی ایکشن دیا جا سکے یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے تو کراچی کی صورتحال کو بگاڑ کرنا مافیا نہ ایم کے ایم اس سے بری ذمہ ہو سکتی ہے اور نہ پنجاب کی پولیس سے پی ایم ایل این بری ذمہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے 3 دہائیوں تک حکومت کی ہے پنجاب کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی طور پہ کیسے آپ نے یہ ملٹی سٹوری بلڈنگز کی ناقص مٹیریل ہوتا ہے یہ تو ایک ہے نا میں اور آپ اگر ایک طرف سے ڈرائیو کریں گماڑی سے لے کے سرجانی ٹاؤن تک تو ہزاروں عمارتیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی چیف جسٹس محترم گلزار صاحب نے جو ہے اس پہ ایک نوٹس وہ بھی دیا ہوا ہے اتنا بڑا ایکشن دیا ہوا ہے اس کے باوجود آپ دیکھ لیجیے غیر قانونی عمارتیں کتنی ہیں مخدوش عمارتیں کتنی ہیں تو یہ ایک سانحہ ہے اس کئی سانحہ اللہ بچائے ہمیں کئی سانحہ اکٹھے ہو سکتے ہیں صرف آپ کی اجازت سے آپ کے پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے تحریک انصاف کی حکومت اور پی ایم ایل این یہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں یہ جو انتہا پسند ہیں یا جو اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں عورت مارچ پر یہ عورتوں کے ساتھ جو نصف سے زیادہ ہماری آبادی ہے جو ترقی کی ضامن ہے جو عورتوں کی آزادی کے لیے ان کے حقوق کے لیے ہم سب ہیں تو یہ اپنی سیاست نہ چمکائیں اور ان سے دونوں سے آپ یہ وعدہ کریں کہ یہ کیا خواتین کے حقوق کے ساتھ کھڑے عورت مارچ کے ساتھ کھڑے یا مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان جیسے جو انتہا پسند سیاست ان کے لیے کراچی کی بات کر لوں اور وہ مارچ کی جی مارچ کی بات کروں میں سب سے پہلے کراچی جی دیکھیں میں ہر پروگرام جب کراچی کی بات آتی ہے تو میں اپنا جو میرا اس پہ جو موقف ہے وہ یہ ہے میں قانون و آئین کو جس طرح سے سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے کراچی میں سب سے زیادہ کام ہوا کب جب اللہ غری کا رحمت کرے ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے نعمت اللہ صاحب میئر تھے دوسرے اس کے بعد ان کے بعد بنے مصطفیٰ کمال صاحب کیا وجہ تھی کہ اور وہ دور تھا جنرل مشرف کا لیکن یہ تھا کہ اس میں مقامی حکومت کے مؤثر نظام وہاں لگا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اصل کراچی کے مسائل کو حل کرنے کا بیسٹ طریقہ بہتر لوکل گورنمنٹ ہے اور وہ ذمہ کس کا ہے وہ آرٹیکل 140A کے نیچے صوبائی گورنمنٹ کا ختم ہو جاتے ہیں عورت مارچ کو آپ دونوں سپورٹ کرتے ہیں جی ہر پرامن مظاہرے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں بس اپنی اقدار کا خیال رکھنا اپنی اقدار اپنی روایات اور ایک بات میں جلدی سے بتائیے گا عورت مارچ کا ہم کہتے ہیں کہ ہر مارچ جو پرامن ہوگا ہر بہتری کے لیے جو ہوگا وہ خواتین کے لیے ان کی بہتری کے لیے ہم ان سے ایک قدم آگے ہوں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے اندر جو طریقہ دیا ہے اس سے بڑے حقوق دنیا کے کسی مذہب نے خواتین کو نہیں دیے جو ہمارے نبی نے دیے تھے ہمارے مذہب اس کے مطابق یہ حل ہے ہماری تینوں موسم میں کا بہت شکریہ سینیٹر جاوید عبادی صاحب علی اقبال صاحب اویس سوئی صاحب تھینک یو ویری مچ ویئرز آج کے لیے ان شاء اللہ آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پیشنٹ کو اجازت دیجیے اپنا بہت خیال رکھیے اللہ نے کے بعد